सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दे रखा है FeCl3, चौथा दे रखा है लेड नाइट्रेट, पांचवा दे रखा है जो JDNSO4, और इधर जो है रिएक्शन का नेम दे रखा है मेटल एसिड, मेटल एसिड। ओके, इसको हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसप्लेसमेंट भी कहते हैं। डी कार्बोनेट प्लस एसिड, सी प्रेसिपिटेशन, डबल डिकम्पोजिशन। डी डी जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड ई टाइट्रेशन। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, पहले का होगा बच्चों ई, टाइट्रेशन से बनेगा अमोनियम सल्फेट। ओके, दूसरा बनेगा प्रेसिपिटेशन मेथड से, सी। तीसरा FeCl3 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, डी से बनेगा। चौथा कार्बोनेट प्लस एसिड से बनेगा, और पांचवा जिंक सल्फेट बना रहता है, जिंक सल्फेट एसिड वाला जो है कहीं है, हाँ का ए से बनेगा मेटा एसिड। हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक मैं होमवर्क आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और वह हमारा आज का आखिरी चौथी होगा, मिटा दो। पहला दे रखा है CuCl2, दूसरा दे रखा है FeCl2, तीसरा दे रखा है FeCl3, वाह वाह बहुत बढ़िया। चौथा दे रखा है PbCl2, और पांचवा दे रखा है NaCl। यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बी न्यूट्रलाइजेशन, सी प्रेसिपिटेशन, डी एसिड प्लस मेटल, और ई जो है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। इसका आंसर आपको खुद करना है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कीप ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स आल्सो। ओके, ठीक है, अब आप मिलते हैं दोबारा।
नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ।